नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 9 सितंबर 2024 सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपका उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर आप कुछ परेशान रह सकते हैं। परिवार और आप मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। कोई पुराना पारिवारिक विवाद सामने आएगा जिस कारण परिवार में मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। वृषभ राशि, आज आप कुछ बातों को लेकर परेशान रह सकते हैं। आपका मन अशांत रहेगा। व्यापार व्यवसाय में विरोधी वर्गों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस होगी। कोई पुराना बड़ा काम हाथ से छूट सकता है। परिवार में पत्नी और बच्चों से मतभेद हो सकते हैं। कोई बड़ा डिसीजन ना लें। मिथुन राशि, आज का दिन आप कुछ बातों को लेकर परिवार में आपसी विवाद में उलझ सकते हैं जिस कारण आपका और पत्नी बच्चों का मानसिक तनाव बना रहेगा। व्यापार व्यवसाय में हानि के योग बन रहे हैं। कोई बड़ा डिसीजन फेरबदल व्यापार में ना करे, नहीं तो नुकसान होगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं। कर्क राशि, आज का दिन आपका भाग दौड़ से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप और आपका परिवार मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकता है। व्यापार व्यवसाय में सहयोगी पार्टनर धोखा दे सकते हैं। कोई बड़ा लेन देन आज ना करें। परिवार में पत्नी से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। सिंह राशि, आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप जिस कार्य के विषय में पहले कुछ दिनों से विचार कर रहे हैं आज आपका वह कार्य पूर्ण होने वाला है। साथ ही व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। आज आप नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। परिवार में मतभेद दूर होंगे। कन्या राशि, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी आर्थिक लाभ से आज आप और आपका परिवार लाभान्वित होने वाला है जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापार व्यवसाय में बड़ा काम आज आपको मिल सकता है जिससे आगामी समय में लाभ के योग बनेंगे। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद खत्म होगा। तुला राशि, आज आप किसी बड़े विवाद के शिकार हो सकते हैं। अच्छा होगा वाणी पर संयम रखें और विवाद से दूर रहें। किसी नए काम की शुरुआत करने का मन में विचार आ सकता है, परंतु आज व्यापार व्यवसाय में फेरबदल करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। वाणी पर संयम रखना आज आपको बड़े विवाद से बचा सकता है। वृश्चिक राशि, आज आप सावधानी पूर्वक वाहन आदि चलाएं, नहीं तो आप किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। आज अपने कार्य क्षेत्र के कार्य के लिए आप बाहर की यात्रा कर सकते हैं जिस कारण शारीरिक थकान महसूस होगी। आज का दिन परिवार में मतभेद की स्थिति दिखाई देगी। धनु राशि, आज आप जिस काम की बहुत दिनों से सोच रहे हैं वह काम आपका पूरा होगा। आपका किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा। आपका मन आनंद से भरा रहेगा। परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मकर राशि, आज का दिन बहुत भाग दौड़ से भरा रहेगा। कोई नया कार्य आज आप शुरू कर सकते हैं जिसके लिए आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में सहयोगियों का व्यवहार अच्छा रहेगा। आपको अपने मित्रों से आर्थिक सहयोग आज मिल सकता है। परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है। कुंभ राशि, आज आप कुछ बातों को लेकर व्यर्थ में परेशान रह सकते हैं। संतान को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी। पत्नी पुत्र आदि से मतभेद बन सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी व मित्र अथवा सहयोगियों से आर्थिक सहयोग मिलेगा। परिवार में लोगों से संबंध मधुर होंगे। मीन राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। कोई नया व बड़ा कार्य आपको आज कार्य क्षेत्र में मिल सकता है। बड़ी डील पार्टनरशिप आज आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा व परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। कार्य विशेष के लिए लंबी यात्रा आदि पर जा सकते हैं। परिवार में पत्नी बच्चों से चल रहा मतभेद दूर होगा।
ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं आपका दिन आने वाला कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक, मूलांक एक की जातक, प्रतियोगिता आपको परेशान कर रही है। आप अपने विचारों के साथ अकेला रहना चाहते हैं। अपनी वर्तमान चिंताओं को फिर से चार्ज करने और हल करने के लिए समय निकालें। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक दो, मूलांक दो की जातक, ऋण और खर्च आपको तनाव दे सकते हैं। शांत विचारशील स्थानों पर अपने उत्तरों की तलाश करें। आज आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। ज्यादा बात ना करें, केवल अपने काम में ही ध्यान दें। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। मूलांक तीन, मूलांक तीन के जातक, जोखिम लेना आपको अच्छे परिणाम देगा। सफलता या अतिरिक्त आय आपका इंतजार कर रही है। रिश्तों में चतुर बने। पिकनिक क्लब या सोशल सर्किल आपको अपना रचनात्मक पक्ष दिखाने का मौका देंगे। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक चार, मूलांक चार के जातक, अभी आपने जो कनेक्शन बनाया है वो भविष्य में भी आपको लाभ देगा। आज का दिन आमदनी से जुड़ा रहेगा। अपने उधार व आमदनी का अंदाजा लगाना और सही आर्थिक फैसला लेना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक, यह आपके लिए बेहतरीन क्षण है क्योंकि आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला है। पदोन्नति के भी योग हैं। कोई इनाम या धनराशि उन बदलावों में आपकी मदद करेंगे जिनका सपना आपने देखा है। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 6, मूलांक 6 के जातक, अपनी नई सफलता का मजा ले। नए प्रयासों के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। यह दौर बहुत ही समृद्ध और फायदेमंद है क्योंकि इसमें आप नए आयाम खोजेंगे। ध्यान रखें कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्ड। मूलांक 7, मूलांक 7 के जातक, आपको यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। दुनिया को देखने के लिए इसका आनंद ले। आपको नई आध्यात्मिक दिशाओं की तरफ आकर्षित होंगे। सुने कि आपके सलाहकार या शिक्षक आपसे क्या कहना चाहते हैं। शुभ अंक 27, शुभ रंग वायलेट। मूलांक 8, मूलांक 8 के जातक, पिता या पिता जैसा कोई आपके अच्छे भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज वह दिन है जब आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल दिमाग पर हावी हो सकता है जिसे सही दिशा प्राप्त होगी। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, मूलांक 9 के जातक, आप अभी व्यक्तिगत नाकामयाबी का सामना कर रहे हैं। यह धन या परिवार से संबंधित हो सकती है। चुप रहकर सहन ना करें। परिवार और रिश्तेदारों से मिलें। अतीत में से किसी से मुलाकात हो सकती है। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जानें आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 9 सितंबर 2024 सोमवार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त शाम 6:32 पर, चंद्रोदय 9 सितंबर सुबह 11:15 पर, चंद्रास्त 9 सितंबर रात 10:11 पर। तिथि शुक्ल पक्ष षष्ठी 8 सितंबर शाम 7:58 से 9 सितंबर रात 9:53 तक। शुक्ल पक्ष सप्तमी 9 सितंबर रात 9:53 से 10 सितंबर रात 11:12 तक। नक्षत्र विशाखा 8 सितंबर दोपहर 3:31 से 9 सितंबर शाम 6:04 तक। अनुराधा 9 सितंबर शाम 6:04 से 10 सितंबर रात 8:04 तक। कौलव 8 सितंबर शाम 7:58 से 9 सितंबर सुबह 9 बजे तक। तैतिल 9 सितंबर सुबह 9 बजे से 9 सितंबर रात 9:53 तक। गर 9 सितंबर रात 9:53 से 10 सितंबर सुबह 10:38 तक। योग वृद्धि 9 सितंबर रात 12:04 से 10 सितंबर रात 12:32 तक। विषकुंभ 10 सितंबर रात 12:32 से 11 सितंबर रात 12:30 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:47 से सुबह 9:19 तक। यमगढ़ सुबह 10:51 से दोपहर 12:24 तक। कुलिक दोपहर 1:56 से दोपहर 3:28 तक। दुर्मुहूर्त
दोपहर 12:48 से दोपहर 1:37 तक, दोपहर 3:16 से शाम 4:05 तक, वृज्यम रात 10:24 से रात 12:08 तक, शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:48 तक, अमृत काल सुबह 8:20 से सुबह 10:06 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से सुबह 5:27 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृ दोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है
या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव को जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त, जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है, साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं, रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही ना सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम, हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम, बाबा अमरनाथ की गुफा जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है।
यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर। भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षसराज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया, तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया, और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाथ ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाथ पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजेय अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से ये अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के सातों दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।